ग्वालियर के तिघरा डैम के गेट खुल गए हैं और एक के बाद एक लगातार गेट खोले जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि पानी का इंतजार सभी लोग कर रहे थे और इस खुशी के मौके पर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान भी पहुंच गई हैं। मैडम, पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं, ये तस्वीरें देख के आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जब भी प्रकृति ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि उसका किसी भी एलिमेंट को आप देखेंगे तो जिस एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है वो एनर्जाइज फील करती है। मानव का शरीर 70% पानी होता है और पानी को देख करके निश्चित रूप से एक अलग ही अनुभूति होती है, अलग रिलैक्सेशन। अब एक बड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, इधर भी देख लें, क्योंकि ये तिघरा बांध नहीं, पूरा की पूरा समुद्र नज़र आ रहा है। आप लोगों को बड़ा इंतजार था पूरे इस तिघरा बांध को भरने का, अब ये इंतजार लगभग खत्म हो गया है और लंबे समय तक पानी लोगों को मिल सकेगा। कितनी पूर्ति होगी लगभग, इंजीनियरों से कुछ बात हुई आपकी? देखिए, तिघरा हमारी जो नगर निगम है उसका पूरे क्षेत्र का पेयजल का मेन स्रोत है, तो इसमें पानी होने से एक कंटिन्यूटी आती है और एक तरीके से कहें हम कॉन्फिडेंस आता है हमारे पूरे समर सीज़न तक अच्छे से पानी उपलब्ध कराने का शहर को। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा ये रहा है कि हमारे यहाँ इसमें पानी भर गया और आज गेट भी खोलने की स्थिति बन गई। अच्छा, जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है, बारिश हो ही रही है, तो निचले वाले इलाकों में लोगों को किस तरह के निर्देश जारी किए गए? बिल्कुल, आज मॉर्निंग में ही हम लोगों ने, जैसे ही इनका अलर्ट आया था कि अब तिघरा के गेट खोलने की संभावना रहेगी, तो हमारे SDMs ने और हम लोगों ने सुबह से ही आज सभी वीडियो कॉन्फ्रेंस गूगल मीट के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक बात कर ली है। जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, गोताखोर हैं, वहाँ पर जो लोग अवेलेबल हैं, अपने कंट्रोल रूम को एक्टिव कर लिया है, तो कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग भी ग्राम पंचायत लेवल पर हम लोग शुरू कर दिए और यहाँ से अभी लौटते हुए मैं भी जो रिटर्न के गाँव हैं उनको देखते हुए निकलूँगा। अभी मौसम विभाग ने बताया है कि कल और परसों दोनों दिन बारिश के हैं, हो सकता है बारिश तेज भी हो, तो यहाँ सारी निगरानी रहेगी, पूरी टीमें रहेंगी? निश्चित रूप से, अभी SDRF की टीम्स को भी हमने मोबिलाइज कर दिया है, तो तिघरा के साथ साथ ऐसे और जहाँ पर जलप्रपात चलते हैं, पानी के सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी हमारा टीम रहेगी। बिल्कुल, टीमें रहेंगी, सुरक्षा भी रहेगी और पर्याप्त रूप में, देखिए अब पानी भी रहेगा ग्वालियर में पीने के लिए, खुशी की बात है, लेकिन पानी को बचा के रखिए। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।